देखो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली डिस्कस करने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस स्कीम का कुछ रूल्स है जिसके अंदर चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कुछ रूल्स में चेंजेस है, और यहां पे जो पोस्ट ऑफिस का 5 ईयर टाइम डिपोजिट है जिसको आप पोस्ट ऑफिस का एफडी कहते हैं उसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं। तो यहां पे हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो यहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहां पे 7 नवंबर 2023 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था और यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। किसके अंदर? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। तो सबसे पहला हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। तो जिन लोगों को नहीं पता है भाई कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होता है, एक मिनट के अंदर उनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का स्कीम है जहां पे आपको एक साथ में कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद में आप अपने पैसे चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको हर साल का 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में मिलता है। और यहां पे आप मिनिमम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहां पे आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में 2 सीनियर सिटीजन है तो आप दोनों के नाम पे अलग अलग अकाउंट ओपन करके 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको टैक्स बेनिफिट के अंदर 1.5 लाख रुपीज का सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी मिल जाता है, और यहां पे प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि आप चाहिए तो 5 साल के पहले भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, वो भी यहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहां पे भी एक चेंजेस है जो मैं अभी आपको सिंपली बताने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा यहां पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो यहां पे कोई भी रिस्क नहीं है, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। अब यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहां पे गवर्नमेंट ने चीजों में किए हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंजेस क्या है, तो यहां पे सबसे पहला लिखा है मोर टाइम टू इन्वेस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको सिंपली पता होगा कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके अंदर कौन कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी सीनियर सिटीजन है जिनका उम्र 60 साल के ऊपर है वो लोग इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये भी कहा गया है कि अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई है और अगर आपका एज 55 ईयर के ऊपर है तो भी इस स्कीम के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो भी आपको रिटायरमेंट का आपका बेनिफिट मिला है उस रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर ही आपका जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद यहां पे ये भी कहा गया था कि अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई है जिनका उम्र 50 साल के ऊपर है, भले ही वो 60 साल क्रॉस नहीं किए हैं, अगर उनका उम्र 50 साल के ऊपर है, वो रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई है, तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या है कि जो भी आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला है उस रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर ही आपको वो पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। तो अब यहां पे चेंजेस किया हुआ है, तो चेंजेस यहां पे ये हुआ है जो इनको बोला गया था कि रिटायरमेंट का पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर ही आपको उस पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना है, अभी उस रूल्स को चेंज कर दिया गया। यानी कि यहां पे अब इन लोगों को जो भी रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई है या तो जो भी पर्सनल एम्प्लॉई थे, जो भी रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई थे, इनको सिंपली ये कहा गया है कि अब आपको ज्यादा समय दिया जा रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। किस तरीके से? तो यहां पे अब 1 मंथ नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 मंथ के अंदर आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 मंथ फ्रॉम द अर्लियर 1 मंथ, यानी कि रिटायरमेंट का पैसा मिलने के पहले था 1 महीने के अंदर, अब आपको 2 महीने एक्स्ट्रा यानी कि रिटायरमेंट का पैसा मिलने के अब 3 मंथ के अंदर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इन लोगों को 2 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। उसके अलावा यहां पे सेकंड चेंजेस क्या है, तो सेकंड चेंजेस में यह लिखा हुआ है इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट बाय स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्रीवियसली रूल्स ये बनाया गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउसेस है, यानी कि नया रूल के हिसाब से मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि क्या कहना चाहते हैं लोग। तो यहां पे बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउस है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर मान लो 50 साल या तो उसके बाद में डेथ हो जाता है, यानी कि अप टू 50 और आफ्टर 50 ईयर उसकी डेथ हो जाती है, तो यहां पे जो उसके स्पाउस है, जो भी उसके स्पाउस को जिनका डेथ हुआ है उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा मिले
मिलेगा, डेथ का जो पैसा मिलेगा वो उनकी जो स्पाउस है वो उस पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। प्रीवियसली रूल ये था कि उनकी स्पाउस जो है वो डेथ बेनिफिट या तो जो डेथ वाले बंदे का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन दिया है कि भाई अगर आपके स्पाउस का डेथ हो चुका है जिनका उम्र 50 साल उसके ऊपर है तो उनका जो डेथ बेनिफिट है वो आप चाहिए तो सिंपली गवर्नमेंट का जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है यहाँ पे आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सेकेंड रूल यहाँ पे ये चेंजेस किया गया है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो भी हमने रूल को डिस्कस किया उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है विद इन 3 मंथ या तो उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअली में रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है? तो रिटायरमेंट बेनिफिट का सिंपली मतलब यह है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। क्या मिलता है? फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रोविडेंट फंड का पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको मिला वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, सुपर एनुएशन बेनिफिट मिला, और डेथ के केसेस में अगर कोई डेथ ग्रेचुएटी डेथ बेनिफिट मिलता है, या तो आपको कम्युनिटी पेंशन का पैसा मिलता है, लीव इन्केसमेंट का पैसा मिलता है, या तो आपके नाम पे कोई इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की मतलब आपके कंपनी ने निकाला है तो अगर वो स्कीम मैच्योर हुआ तो अगर वो स्कीम का कोई पैसा मिला, या तो मान लो आपको एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस का कोई पैसा मिला, तो इस तरीके से जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आप चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में अलग से भी कोई पैसा है तो वो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है मैंने ये आपको सिंपली बताने का कोशिश किया। अब यहां पे फोर्थ चेंजेस क्या किए गए हैं, तो यहां पे सिंपली कहा गया है डिडक्शन ऑन प्री मेच्योर विथड्रॉल, यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन पहले रूल ये था कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से प्री मेच्योर विथड्रॉल करते हैं यानी कि समय से पहले पैसा निकालते हैं, वो भी यहां पे बोला है कि अगर आप इस स्कीम से 1 साल के पहले अकाउंट क्लोज करके पैसा निकालते हैं तो यहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट दिया गया है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा। अब यहां पे नया रूल क्या कहना चाहता है, तो नया रूल ये कहना चाहता है कि यहां पे जो अगर आप 1 साल से पहले अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को क्लोज करेंगे तो यहां पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% सिंपली माइनस कर दिया जाएगा, और अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट का पैसा माइनस नहीं किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल के तहत अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रीवियस रूल ये था कि मान लो आपने एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट 1 साल का ओपन किया और यहां पे आप उस स्कीम को 10 महीने के अंदर ही क्लोज करना चाहते हैं, और यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि आपने उस स्कीम के तहत 2000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है, तो क्योंकि अगर आप उस स्कीम को 1 साल के पहले ही क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है 2000 रुपया उसको माइनस करके आपको 98,000 रुपीज दे दिए जाएंगे। ये पहले का रूल था कि अगर आप 1 साल के पहले क्लोज करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा आपको मिला है वो इंटरेस्ट का पैसा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे नया रूल क्या कहना चाहता है, तो नया रूल सिंपली ये कहना चाहता है कि जो भी इंटरेस्ट का पैसा आपको मिला है हम उसको माइनस नहीं करेंगे। अगर आप 1 साल के पहले अपने इस स्कीम को क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से हम सिंपली 1% माइनस कर लेंगे, यानी कि आपका 1 लाख का स्कीम है आप 1 साल के पहले क्लोज करना चाहते हैं तो 1000 रुपया माइनस करके बाकी का 99,000 रुपीज आपको सिंपली दे दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे फिफ्थ रूल में यह लिखा हुआ है नो लिमिट ऑन एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पहले रूल ये था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 5 साल के बाद में आपका स्कीम मैच्योर हो जाएगा, आप पैसे निकाल सकते हैं, या तो आप इस स्कीम को फर्दर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल आप इस स्कीम को 8 साल तक रन कर सकते हैं। अब यहां पे नया रूल ये बोला गया है कि नो लिमिट ऑन एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद में आप फिर से 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल पूरा होने के बाद में अगर आप इस स्कीम को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर से इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप 3-3 साल के लिए एन नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ 8 साल तक ही था, अब यहां पर इस स्कीम को एन नंबर ऑफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्लियर यहां पे आप देख सकते हैं अर्लियर द एक्सटेंशन वाज ओनली वंस, अब यहां पे आप एन नंबर ऑफ टाइम इस स्कीम को एक्सटेंड
कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंशन ऑफ स्कीम डिपॉजिट, अगर आप इस स्कीम को एक्सटेंड करते हैं तो आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो यहां पे अगर आप इस स्कीम को पांच साल के बाद में एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट सिंपली दिया जाएगा। और यहां पे अगर आपने इस स्कीम को एक्सटेंड किया है और फिर से एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उस केसेस में कौन सा इंटरेस्ट रेट, तो यहां पे एक्सटेंडेड मैच्योरिटी का जो भी इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे होगा वो वाला इंटरेस्ट रेट आपको सिंपली दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे लास्ट में सेवेंथ नंबर पे लिखा हुआ है मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट। तो ये आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम डिपॉजिट पहले 15 लाख का था, फिर यहां पे चीजों को चेंज करके अभी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है पर अकाउंट का वो है 30 लाख। अगर आपके घर में दो सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आप 60 लाख रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये कुछ चेंजेस थे पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम था उससे रिलेटेड। यहां पे पीपीएफ में भी कुछ चेंजेस हुए हैं और यहां पे जो पोस्ट ऑफिस का 5 ईयर टर्म डिपॉजिट है इसके अंदर भी चेंजेस हुए हैं। तो इसको मैं सिंपली अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, यानी कि नहीं तो यहां पे अगर मैं इस चीज को कवर करूंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। और यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम का क्या लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है, वो सिंपली आप वीडियो को पॉज करके यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।